गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं नीलम गुप्ता। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक। शिक्षक डायरी में हम अपनी शिक्षण योजना किस तरह से लिखें, इस बारे में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारे पास में इस बार शिक्षक डायरी का एक फिक्स फॉर्मेट आया है, जिस पर हमें अपनी शिक्षण योजनाएँ शॉर्ट में अंकित करनी है। और हमें एक पेज पर दो शिक्षण योजनाएं लिखनी है, यानी कि हमें बहुत शॉर्ट में, प्रिसाइज वे में अपनी बात को मेंशन करना है। शिक्षक डायरी जब हम बनानी शुरू करेंगे तो इसमें हमारे पास में एक पेज आएगा जिसमें टीचर को अपनी पर्सनल डिटेल्स मेंशन करनी है। उसके बाद में साप्ताहिक योजना की बात होगी और फिर हमारी दैनिक योजना की बात होगी, जो हम टीचिंग करने जाने से पहले तैयार करके रखते हैं। अभी हमारे पास में जो समय है वो बहुत ही चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि फ़िलहाल हम ई पाठशाला के माध्यम से बच्चों के साथ में कनेक्टेड हैं। हम अभिभावकों के साथ में मिल करके अपने काम को अंजाम दे रहे हैं, तो हमारी जो शिक्षण योजनाएं हैं वो पहले के कंपैरिजन में थोड़ी सी डिफरेंट होंगी। क्योंकि जब हमारी लाइव क्लासेस होती हैं, उसमें हम फेस टू फेस बच्चों के साथ बात कर रहे होते हैं, तो हमारा कम्युनिकेशन का ज़रिया दूसरा होता है। हमारी शिक्षण योजनाएं भी अलग तरह की होती हैं। लेकिन अब हम व्हाट्सएप ग्रुप्स के ज़रिए से या फ़ोन कॉल्स के ज़रिए से पहले अभिभावकों से बात करते हैं या बच्चों से बात करते हैं, और फिर उनसे अपनी बात साझा करने की कोशिश करते हैं। तो ये प्रोसेस थोड़ा सा मुश्किल प्रोसेस होता है, लेकिन फिर भी हमें अपने प्रयास तो करने ही हैं। तो इसके लिए जो मैंने कोशिश करी है, शिक्षण योजना किस तरह से लिखें हम शिक्षक डायरी में, वो मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ। विभाग ने हमसे अपेक्षा करी है कि हम 1 अप्रैल से, जब से नया सेशन स्टार्ट हुआ है, तब से शिक्षण योजनाओं को डायरी में मेंशन करेंगे। तो वहीं से हम अपनी बात शुरू करते हैं। हमने यहाँ पर, मैं जो साझा कर रही हूँ वो क्लास 2 की शिक्षण योजना साझा कर रही हूँ। तो जैसे कि गणित विषय में, इस शिक्षण योजना में पहले हमें कक्षा मेंशन करनी है, उसके बाद में फिर हमें विषय मेंशन करना है, उसके बाद में हमें यहाँ पर मेंशन करना है लर्निंग आउटकम और चयनित पाठ जिस पर हमें काम करना है। तो हम यहाँ पर लर्निंग आउटकम लिखेंगे, साथ ही साथ में हम चाहे तो यहाँ पर चयनित टॉपिक या पाठ भी उसका नाम मेंशन कर देंगे। लर्निंग आउटकम, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हम उन्हें शॉर्ट में अंकित करेंगे, ऐसे अंकित करेंगे कि जो अचीवेबल हों, और हमेशा हम प्रेजेंट टेंस में उनको मेंशन करेंगे। तो लर्निंग आउटकम की बात हो गई। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया या वे गतिविधियाँ जो जिनके साथ में हम पाठ को आगे बढ़ाने वाले हैं, उनका संक्षिप्त विवरण हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो अभी हमारा काम सारा, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए चल रहा है या फ़ोन के ज़रिए चल रहा है, या हम अभिभावकों को स्कूल में बुला करके उनके साथ में चीज़ें साझा कर रहे हैं, फिर वो बच्चों के साथ में डील कर रहे हैं, तो उसी तरीके से हमने यहाँ पर अपनी गतिविधियों को भी मेंशन किया है। जैसे शिक्षिका ने व्हाट्सएप ग्रुप में वीडियो प्रेषित करके अभिभावकों को बच्चों के साथ पैटर्न पर आधारित वीडियो देखने के लिए वो प्रेरित करती है, और बाद में छात्रों से प्रश्न करके फ़ोन पे वो उसका मूल्यांकन करने का प्रयास करती है कि किस हद तक बच्चों ने लर्निंग आउटकम को अचीव कर लिया है। इसके बाद में, तो इस तरह से, जैसे कि हम मान लिया हमारे एक दिन में हम बच्चे के साथ में 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट हम बच्चे के साथ में साझा कर रहे हैं, वो तो वो हम सभी यहाँ पर एक जो हमारा हाफ पेज है एक दिन के लिए मेंशन, वहाँ पर हम मेंशन कर देंगे। मैंने यहाँ पर 2 विषय मेंशन किए हैं, क्लास बड़ी है तो हम यहाँ पर 3 या 4 विषय भी मेंशन हमें करने होंगे, और शॉर्ट में हम मेंशन करेंगे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर 2 विषय लिखे हैं, दोनों के लिए मैंने यहाँ पर लर्निंग आउटकम भी लिखे हैं। और उसके बाद में इसमें एक स्टेप आता है क्रियान्वयन के पश्चात
शिक्षक का स्व आकलन, यानी कि हमने बच्चे के साथ काम किया, उसके बाद में हमें क्या लगा कि हम कहाँ तक अपनी योजना में सफल रहे, और अगर हमें लगता है कि अभी कुछ और वहाँ सुधार की आवश्यकता है तो वो पॉइंट हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। जैसे अभी मैंने इसमें लिखा है कि बच्चे अभी नए पैटर्न बनाने में कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं, इसका मतलब अभी उन्हें और अभ्यास की आवश्यकता है। इसके बाद में हमने सेकेंड डे की योजना शुरू हो गई है, तो जो जहाँ पर हम पहले दिन की हमने छोड़ी थी उसके बाद में उससे आगे का हम शुरू करेंगे। जैसे मैथ्स में हम पैटर्न बच्चों को पढ़ा रहे थे, तो नेक्स्ट डे हमें लगा था कि पैटर्न में अभी और काम करना है, तो हमने वही पैटर्न लिया वापस से। हमारा जो भी तरीका है बच्चों के साथ बात करने का, हम उन्हें मैसेज कर रहे हैं, हम उन्हें वीडियो भेज रहे हैं, हम उनसे फ़ोन पे बात कर रहे हैं, किस तरह से हम उनसे अपनी चीज़ें साझा कर रहे हैं, या अभिभावकों को हम स्कूल में बुला रहे हैं, उनके साथ हम गतिविधियाँ शेयर कर रहे हैं, उन्हें डायरेक्ट करके दिखा रहे हैं या फिर उन्हें वीडियो दिखा रहे हैं, और वैसा ही हम उन्हें बच्चों के साथ घर पे करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो वे ही सारी बातें हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। साथ ही साथ क्योंकि हमारे पास में स्पेस बहुत कम है और हमें चीज़ें ज़्यादा मेंशन करनी, हमें लग रहा है अभी हम उन बच्चों के भी नाम लिखने रह गए जिनसे हमने फ़ोन पे बात करी है, जिनसे हमने ये पाठशाला का कंटेंट शेयर किया है, या कुछ और डिटेल्स हैं वो इस पर नहीं आ पा रहे हैं, तो साइड बाई साइड हमारा ई पाठशाला का रजिस्टर चल रहा है, वहाँ पर हम बाकी की सारी डिटेल्स मेंशन कर सकते हैं, जिससे जब भी कोई विभागीय निरीक्षण हो, अनुश्रवण हो, तो उस समय हम अपनी बात बताने की स्थिति में हों कि हमने अभी तक क्या किया, हम किस तरह से काम कर रहे हैं, हम बच्चों तक कंटेंट पहुँचाने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं, बच्चों का मूल्यांकन किस प्रकार से कर रहे हैं, हर बच्चे की डिटेल हमारे पास में टिप्स पे तैयार हो, उसके लिए ये योजना हमारी बनना बहुत ही ज़रूरी है। हम ये योजनाएं अच्छी तरह से बनाएं, इन्हें एग्जीक्यूट करें। तो एक ये प्रयास जो मैंने किया था वो मैंने आपके साथ में साझा किया है। आई होप इससे आपको हेल्प हो सकती है। अगर आपको ये तरीका पसंद आए तो आप भी इस तरह से अपनी योजना को बना सकते हैं, या फिर इसमें आपको लगे आप और सुधार कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आप सुधार करके और हमें भी बताएं ताकि हम भी अपने काम में सुधार कर लें। तो ओके फ्रेंड्स, बाय फॉर नाउ।